2, 1, drop it. किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को लेके आया हूँ कि आप लोग बहुत से लोग किसान भाई इस वजह से भी परेशान है कि इसमें कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा घास फूस है कि आपका जो फसल है वो काफ़ी ही दब जाता है घास फूस में। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम ऐसा काम करें कि हमारा दूब हो, चाहे मोथा हो, चाहे सेवई नाम का एक घास होती है, कोई भी घास हो, पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा और वो भी समय रहते हुए। यदि आप चाहें कि फसल लगा के आप कंट्रोल कर लें तो आप कभी भी नहीं कर सकते, भले किसी भी कंपनी वाले बोले कि नहीं क्रॉप में आप स्प्रे कर दीजिए सही हो जाएगा, फसल आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, घास सूखता है, मानता हूँ, लेकिन ये भी जान लीजिए आपके पौधे की जो बढ़ोतरी होती है या पौधा अपना जो विकास करता है वो कुछ टाइम के लिए थम जाता है, जिससे आपकी फसल में काफ़ी लेट होती है। तो हम आपको बताएं कैसे। देखिए, ये घास हमारे खेत में कुछ समय पहले था और मैंने इस पर एक दवा का स्प्रे किया हूँ। उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, जब तक पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे आप दवा से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा दूसरा वीडियो जब भी डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर हमारा जो पहले ऐसा था अभी कुछ इस तरह का है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें से सारे घास सूख चुके हैं ना। देखिए, ये सारा घास एकदम से सूख गया है। लेकिन ऐसा करने से सोचिए कि आपके घास ख़त्म हो जाए तो ये कभी नहीं होगा, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सी दवा का स्प्रे करें जो कि काफ़ी कारगर होता है। तो इसमें हम एक मीरा 71 नाम की दवा आती है जो दाने टाइप में होती है, जो 50 ग्राम या 100 ग्राम का रहता है, एक टैंक का होता है, एक पैकेट ही आती है। उसको सबसे पहले वो भी मौसम में आप स्प्रे नहीं करेंगे, अगर स्प्रे करेंगे तो घास तो सूख जाएगा लेकिन तुरंत कुछ दिन बाद वापस घास आने लगेगा। तो आपको ये काम गर्मी के महीने यानी कि अप्रैल के महीने में करना है। घास फूस को एकदम से जमे, अगर नहीं जम रहा तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे कि जो घास रुका है वो भी अच्छे से जम जाए, और उसमें से थोड़ा भी घास काटना नहीं है। उसके बाद मेरा एक तरीका लेके उसमें आधा किलो से या तो 300 ग्राम से 500 ग्राम तक नमक मिला लें, उसके बाद इसका फुल स्प्रे कर दें। करने के बाद जब घास हमारा ऐसा हो जाता है तो इसको एक काम करना और पड़ता है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख, एक बार इस खेत को हम कल्टीवेटर से इतने अच्छे से जुताई कर दें जिससे कि घास के ऊपर नीचे सब कुछ आ जाए, मतलब कि जितने घास की जड़ें नीचे हैं वो ऊपर हो जाए। फिर इसको 10 दिन के लिए हम छोड़ देंगे खुली धूप में, जिससे कि दूब हो, घास हो या तो मोथा हो। मोथा में ऐसा होता है कि एक जड़ नहीं बल्कि 5-6 जड़ रहते हैं जिससे ये बार बार उगता रहता है। तो उसके लिए आपको जुताई बहुत ही ज़रूरी करना है, और वो भी ध्यान रहे कि मार्च से लेके मई के महीनों में ही आपको ये चीज़ करना है, और किसी अन्य मौसम में करेंगे तो आपको इसका सिर्फ 50% ही लाभ होगा। अगर आपने मई में ये काम कर दिया तो आपके सारी जड़ से घास फूस ख़त्म हो जाएंगी और आपको उगने के लिए, इसको उगने के लिए 1 साल और लगेगा, जितने में आपकी सारी फसल हो जाएंगी। फिर अगले सीजन में मार्च, अप्रैल या मई में एक बार और कर लेंगे, फिर आपके खेत से हमेशा के लिए दूब घास, चाहे मोथा हो, चाहे सेवई हो, चाहे कोई फूलने वाला भी घास आता है वो रहे, सब कुछ जड़ से नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने सिर्फ दवा छिड़क के सोचे कि ख़त्म कर दे तो ये कभी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घास फूस पे दवा ना तो बरसात में छिड़किए ना ही जाड़े में, हमेशा घास का जो ये क्रिया है हमेशा मई या जून में या तो अप्रैल में या मार्च में, जबकि कड़ी धूप होती हो जिसमें टेम्परेचर हमारा 40 के आसपास जाता हो, उस टाइम में अगर आप छिड़क कर जुताई कर देंगे तो जितनी भी जड़ें होंगी सूख जाएंगी। जब एक बार जुताई कर दे उसके 15 दिन बाद फिर दोबारा जुताई कर दे जिससे कि जो
जड़ें नीचे दबी हो वो फिर से ऊपर आ जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि ये 100% रिजल्ट देगा। यदि आप कहते हैं कि नहीं देता है तो हम मान नहीं सकते, आप ये काम ज़रूर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।